नमस्कार दोस्तों, आज हम जो कहानी लेके आए हैं बिल लाल देने वाली कहानी। दो दोस्त होते हैं, बहुत पक्की मित्रता। एक दोस्त 60-70 हजार रुपए महीने कमाता है और एक 15-20 हजार रुपए कमाता है। जो 15-20 हजार कमाता है वो क्या करता है, अपने जीवन काल के दौरान कभी भी कोई भी बहान या अपने पैसे को फालतू खर्च नहीं करता। अगर उसे आने जाना होता है कहीं तो अपने जो 50-60 हजार रुपये महीने कमाता है उस दोस्त के ऊपर निर्भर रहता है। कहीं भी ले जाओ, कहीं भी जाना हो उसके हिसाब से ही जाता है। तो इससे होता ये है कि जब वाहन कोई नहीं है तो वाहन पंचर हो जाए। मान लो बाइक पंचर हो गई तो बाइक तो उसकी है नहीं, पंचर वो जुड़वाएगा जिसकी बाइक है। तो इस तरीके से क्या होता है, अब न कार है लेकिन जो 50-60 हजार महीने कमाता है वो कार भी मेंटेन करता है तो कार में भी खर्चा होता है। साल का इंश्योरेंस कराओ, टायर घिस जाए, हर महीने सर्विस कराओ, तो इसमें खर्चे तो होते हैं। उधर 15-20 हजार वाला क्या करता, अपना 2-2.5 हजार रुपये महीने में काम चलाया, बाकी पैसा इन्वेस्ट कर दिया। इस तरह से लाइफ आगे चलती रहती है। तो आगे चलकर क्या होता है कि जब 50-60 साल में जब देखा जाता है दोनों किस पोजीशन में हैं, तो देखा जाता है कि जो मित्र कार बाइक रख रहा था उसके पास भाई पुरानी कार दार बची हुई है, और जो ये था 15-20 हजार वाला इसके अकाउंट में 10 करोड़ रुपए हो चुके थे, क्योंकि इसने अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था। अब भाई 50-60 की एज में आदमी इतना काम नहीं कर सकता, तो जो 50-60 हजार रुपए कमा रहा था अब उसकी उसके जीवन कैसे कटे, भाई बुढ़ापा कैसे कटे। तो उसने अपने ये 10-15 हजार रुपए महीने कमाने वाले मित्र के ऑफिस में उसने ऑफिस खोल लिया, बॉस बन गया, कंपनी बना ली, क्योंकि 10 करोड़ रुपए बहुत होते हैं, बहुत सारे बिजनेस स्टार्ट कर लिए। तो एक बिजनेस में ये 50-60 हजार वाला बंदा झाड़ू पोछे का काम किया करता था और फिर इसने अपना जीवन झाड़ू पोछे से व्यतीत किया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें हर पल हर क्षण देखना है कि हमारा कोई यूज तो नहीं कर रहा है, क्योंकि हमें भी आगे अपने बुढ़ापे के लिए पैसे को बचा के रखना है ना। क्योंकि ऐसा नहीं हम किसी को कोई हमारा मिसयूज करे, कोई परेशानी है तो ठीक है, वरना आप अकेले बाइक चलाओ और दो लोग बैठ के चलाओ, एक गाड़ी को एक आदमी चलाए और दो आदमी चलाए तो गाड़ी की लाइफ आधी हो जाएगी, समझ रहे ना हम। तो भैया समझदार सभी हैं, अपना अपना हिसाब किताब देखें। अब ये कृष्ण सुदामा जैसी मित्रता नहीं रही है, मित्र यूज करते हैं, कभी आपको जरूरत पड़े तो आप देखेंगे वही मित्र नहीं आएगा। अब देखा आपने, देखा कि भाई पूरी लाइफ जो मित्र अपने मित्र को बाइक बिठा के इधर उधर घुमाता रहा और आखिर बाद में वही मित्र अपने मित्र के यहाँ झाड़ू पोंछे का काम करता है। तो आपको समझ में आ चुका होगा इस कहानी से क्या संदेश आपको मैं देना चाहता हूँ। चलिए नई कहानी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।